SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की, SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रابطہ करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। साइलेंट। सभी भाइयों और बहनों को नया साल का मुबारकबाद देते हुए आज महिला कांग्रेस के सदारत में बस ट्रैवल का जो गारंटी अमल हो रही है उसके बारे में सारे लोग ज़्यादा बात कर रहे थे कि ये ट्रैवल बस ट्रैवल बराबर है नहीं वो नहीं। हम महिला कांग्रेस के सदारत में हम लोग बस ट्रैवल के लिए हम जा रहे हैं। अभी वो हम सुनते हैं जो प्रजा क्या बोलते हैं और हमारे खवातीन बहनें क्या कह रहे हैं सुनने के लिए हम भी बस ट्रैवल 33 डिस्ट्रिक्ट से आज से लेके हर ज़िला के अध्यक्ष उनके कैडर के साथ में हर खवातीन बहनों का सुनते हुए हम लोग ये सफ़र में हम लोग शामिल होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक बात बताना चाह रहे BRS और BJP पार्टी को, जो आम जनता के पास जाके नेगेटिव बात जो कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट जो बात कर रहे हैं वो गलत है बोल के हम कह रहे हैं। क्यों बोले तो ऑटो रिक्शाज वालों को धरना करो बोल के उन लोग प्रोवोकेट करे, ये गलत तरीका है। क्यों बोले तो मुख्यमंत्री जी ने हामी तो दिया है उन लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस भी और 12,000 रुपये हर साल देने का वायदा भी किया। अगर एक बात आप सोचे तो एक ही छोटी सी बात मैं कहती कि महिला अध्यक्ष होने के नाते जहाँ पे बस नहीं फिर सकती वो गलियों में ऑटो ही फिरती। और हमारे आवाम को एक मैसेज हम देना चाह रहे जो नेगेटिव पब्लिसिटी में आप ये सुनो ही नको। क्यों बोले तो हर औरत हर महिला के लिए BRS पार्टी ने BJP पार्टी ने क्या किया, आज तक सिलेंडर की कमी करे क्या, 500 में सिलेंडर लाए क्या, नहीं तो 2500 देते बोल के बोले क्या, महालक्ष्मी स्कीम के नीचे हम बस ट्रैवल फ्री दिए, तो इतने बात कर रहे हैं। 9.5 साल BRS और BJP हुकूमत में दोनों मिलके टैक्स GST VAT क्या पीने का पानी होने दो, चप्पल का रेट होने दो, साड़ी का रेट होने दो, चीज़ का रेट होने दो, ब्रेड का रेट होने दो, पेंसिल का रेट होने दो, चाहे बुक्स की रेट होने दो, कौन सा चीज़ में कमती करे बोलो। एसेंशियल कमोडिटीज़ तो 50-60% हाइक हो गया जो कोई भी बात नहीं करे। आम जनता ये सोच लीजिए, आने वाले कल इलेक्शन ईयर है, MP इलेक्शंस का है, अभी बोल के उन लोग सिलेंडर पे कमी करते बोल के बोले। मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते 240 धरना करके हमारे ऊपर इतने सारे केसेस नॉन अवेलेबल के लगाए दिए, हम लोग लड़ते लड़ते घस गए, मगर इन लोग सिलेंडर का रेट कम नहीं करे। आज कांग्रेस पार्टी बिलो पॉवर्टी लाइन जो आम जनता है जो गरीब से गरीब है उन लोगों को ये स्कीम्स 6 गारंटीज इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाए, तो KTR जी को थोड़ा तो शर्म रहना चाहिए। कभी पब्लिक में आए नहीं, कभी उनका दुख दर्द देखे नहीं, किसी को आपके पास आने नहीं दिए। आज पब्लिक आपके पास, हमारे ऑफिसर्स आपके पास आ रहे हैं, आज पब्लिक के पास पब्लिक को एप्लीकेशन दे रहे हैं, आशा वर्कर्स घर से घर घूम रहे, आप इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। जो 9.5 साल इन लोगों कुछ कर नहीं पाए आज CM रेवंत रेड्डी जी ने कर पाए और ये कांग्रेस पार्टी की शान है। और हम लोग एक बात बता रहे, आने वाले कल में ये 100 दिन में ये 6 गारंटीज आने वाले हैं। आप लोगों को आधार कार्ड अपडेट कर लेना चाहिए, इसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लगा लीजिए। कोई स्कीम्स ऐसे भी है जो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती, पहले फेक रेशन कार्ड्स भी थे वो भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों बोले तो हम लोग गरीब का खिदमत करने के लिए आगे आए कांग्रेस पार्टी, तो आप जनता ये सोचो, इन लोगों का बातों में मत आइए। और KTR और BRS पार्टी और KCR जी घर बैठने के लायक हो गए, घर पे बिठा दीजिए। आने वाली MP इलेक्शन में भी आप बड़े पैमाने पे कांग्रेस आने वाली है उन लोगों को मालूम हो गया, तो इस तरीके से सबको पैसे देके ऑटो यूनियंस को उचका के धरना चौक में धरना करने के लिए मजबूर करें। मगर भैया लोग आप लोग अभी सोचना चाहिए, जो गली गली में जो आप फिरते वो जो गली में बस नहीं आती, जहाँ पे हम लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती हम लोग बराबर सबको तो
फ्री बस तो नहीं मिलती, जो सब स्टैंडर्ड है उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को, बेचारे लोगों को दे रहे, गरीब का खिदमत में रहिए। केसीआर जी और केसीआर केटीआर को बोल रहे हैं हम, बाहर आइए कलवा कुंटला जी, कलवा कुंटला कविता को, कविता में अभी तक बहुत भाषण दे दिए, अब आने वाले कल में स्कीम्स का आप जितने भी हों दो, MIM BRS BJP सबको ये आम एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए, महिलाओं के लिए जो महालक्ष्मी स्कीम आए उसको प्रमोट करिए बोल के कलवा कुंटला कविता जी को हम लोग ये मैसेज दे रहे। अब तक 9.5 साल खत्म हो गए, आने वाले कल में एम्प्लॉयमेंट होने दो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ज़्यादा हो गया, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और गरीब जनता के लिए अच्छा है, जो छोटे छोटे बिजनेस करते उन लोगों को अच्छा है। अब देखे गए तो जो घर में बैठते उन लोग भी बाहर जाना बोले तो सोचने वाली बात आ गई थी, अब ये फ्री बस से उन लोग सब खुश हैं। आने वाले कल में आप ये स्कीम्स प्रमोट करिए, आपको भी अच्छा नाम आएगा। इन कार्ड्स पहले इश्यू करे सो है, उसमें भी वेरिफिकेशन हो रहा है, जो नए राशन कार्ड्स के लिए इसी स्कीम में हम लोग ले रहे उसके लिए भी एप्लीकेशंस ले रहे, वो गलत है कौन बोले पता नहीं, मगर राशन कार्ड पहले AP का था, थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन बोले तो तेलंगाना स्टेट अलग हो गए, तो थोड़े लोग फादर का नाम उसमें नहीं रखे, कोई फादर का नहीं हस्बैंड का नाम रखने के लिए भूल गए, मगर अभी जॉइंट फैमिली है तो सबका अलग अलग फैमिलीज है, तो थोड़े लोग सेपरेट हो गए, थोड़े लोग मर गए, तो उसमें सारे अपडेशन की ज़रूरत है। पिछले वाले राशन कार्ड्स पूरे कैंसिल नहीं हुए, आप जान लेना चाहिए। नया राशन कार्ड्स के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिले, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को KCR गवर्नमेंट में दे रखे, वैसे लोगों को हम लोग निकाल के वेरीफिकेशन करके हम लोग सही हकदार जो है उनको दे रहे। नहीं, 6 तारीख तक तो ये लेते यहाँ पे, नहीं तो आप कभी कहीं भी MRO ऑफिस MPDO ऑफिस पे जाके आने वाले कल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 6 को फुल स्टॉप है बोल के कुछ भी नहीं है डेडलाइन।